जिंदा हो गर जायका, मिला हो अक्षर ढाईका। स्वादों से भरी प्लेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर जिंदगी तो ग्रेट है। वाह क्या टेस्ट है, 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 वाह क्या टेस्ट है। मुंह का टेस्ट अच्छा हो तो बातें भी मीठी लगती हैं, और टमी भी फुल हो तो भी चांस है वन में स्पीक पॉजिटिव एंड मीनिंगफुल थिंग्स। आपको क्या लगता है? वेल, हमारा मानना यह है कि फूड का आपके बिहेवियर पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोल तो जरूर है। वेल, तभी तो हम आपसे शेयर करते हैं अच्छी अच्छी प्रिपरेशन। तो जैसा की आप सब देख सकते हैं, वी आर हियर अगेन फॉर यू। क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। We have the most exciting food and beverage space in Shangri-La. अगर मैं बात कहूँ कि हमारे पास Shangri-La के अंदर we have food from all the region. अगर मैं बात कहूँ तामरा की, हमारा जो tagline है वो है world on your platter. So आप एक restaurant में आपको हर जगह का खाना मिलता है, be it Thai, Vietnamese, Singaporean, Chinese, Indian, regional Indian, Japanese, Italian, Mediterranean. देन वी हैव मतलब एक हर जगह का खाना मिलता है वहाँ पर। शांग पैलेस है जो कि हमारा स्पेशलाइज चाइनीज रेस्टोरेंट है, जहाँ पर हम खाना देते हैं शेजवान, कैंटनीज एंड यूनान से। देन वी हैव सोरेंटो विच इज़ आर इटालियन रेस्टोरेंट, जहाँ पर हम नेपोलिताना खाना सर्व करते हैं। फिर वी हैव मिस्टर चाय एंड वी हैव, सो एक जगह देखा जाए तो वी हैव ऑल द इन वन रेस्टोरेंट इन वन स्पेस। We have cuisine from all over. क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट कुकरी शो में, जिसका नाम है वाह क्या टेस्ट है। So friends, we are back again in the grand kitchen of Patel Shangri-La. तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के मास्टर शेफ से, और उन्हीं से पूछते हैं आज वो क्या पकाने वाले हैं। हेलो शेफ। हेलो शरदा। तो जल्दी से बताइए आज आप क्या पकाने वाले हैं, और मैं देख सकती हूँ शेफ कि आप बिल्कुल रेडी हैं और डिसाइडेड है आज कि आप क्या बनाने वाले हैं। हम अपने व्यूवर्स को दिखाएंगे कि लैम क्यूमिन कैसे बनाया जाता है। जी बिल्कुल, तो चलिए शुरुआत करने से पहले हम देखते हैं आज का फन फैक्ट। डिड यू नो दैट ड्यूरिंग द मिडिल एजेस पेपरकॉर्न्स वर वर्थ मोर देन गोल्ड इन वेट। द वर्ड पेपर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड पिपली मीनिंग बेरी। विश्व में भारत पेपर का थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, और ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च चाय को फ्लेवरफुल के साथ साथ सेहतमंद भी बनाता है। इट हेल्प्स इन रिलीविंग अर्थराइटिस, नौशिया, फीवर, माइग्रेन, हेडेक्स, पुअर डिजेशन, स्ट्रेप थ्रोट एंड इवन कोमा। पेपरकॉर्न्स हैज बीन यूज्ड इन कुकिंग फॉर ओवर 2000 इयर्स। तो है ना ये फायदे की चीज। Well, I think it is still worth more than gold, है ना chef? Yes, Sarda. Even आज के dish में हम peppercorn use करने वाले हैं। ये dish का combination में बहुत अच्छा use होता है, और we will use peppercorn ये dish में भी हम उसको use करेंगे। क्या बात है chef? तो चलिए start करते हैं बनाना lamb coriander cumin. Lamb cumin coriander बनाने के लिए हमें lamb चाहिए, मटन लॉइन चाहिए, ऑयल चाहिए, कोरिएंडर चाहिए, चिली चाहिए, जिंजर चाहिए, अनियन चाहिए, चिली पाउडर चाहिए, कॉर्नफ्लावर चाहिए, चिली स्लिट चाहिए, चिली फ्लेक्स चाहिए, स्प्रिंग अनियन चाहिए, सॉल्ट चाहिए, जिंजर गार्लिक, सोया सॉस चाहिए, ससमी ऑयल चाहिए, ब्रॉथ पाउडर चाहिए एंड वाइट पेपर चाहिए एंड क्यूमिन पाउडर चाहिए। क्या बात है शेफ, तो चलिए हमारे फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं शेफ। जी चलते हैं। इसके सबसे पहले हम इसको लैम्ब को मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए हाइजीन का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है। ये लैम्ब है, लैम्ब लॉइन को हमने स्लाइस किया हुआ है, एकदम पतला पतला स्लाइस किया हुआ है।
इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे सॉल्ट, थोड़ा सा पेपर पाउडर, थोड़ा सा डार्क सोया सॉस, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और एंड ऑयल। इसको अच्छा से मिला लिया हमने। अब इसको हम साइड में रखेंगे क्योंकि इसका मैरिनेट करने का प्रोसेस बहुत लंबा है। तो हमारे पास ऑलरेडी मैरिनेट किया हुआ लैम है। तो शेफ, हमें इसे लगभग कितने टाइम के लिए मैरिनेट करने के लिए रखना है? 4 से 5 घंटे मैरिनेट करना करके रखना होता है, बिकॉज जो भी हमने इंग्रेडिएंट डाले हैं, इसमें ऑयल डाला हुआ है। रेड मीट जो है ऑयल को बहुत ज़्यादा ऑब्जॉर्ब करता है, तो जब पकाते हैं तो उस समय वो ऑयल छोड़ता है, तो बहुत टेंडर और सॉफ्ट होता है। तो 4 से 5 घंटे मिनिमम इसको अगर हमें टेस्ट चाहिए रेसिपी में तो मैरिनेशन के लिए रखना है। जी, परफेक्ट। तो शेफ बताइए पहले इस डिश के बारे में कुछ, कितनी पुरानी डिश है ये? जो हमारे को नॉलेज है, ये मोर देन 100 ईयर ओल्ड डिश है। जो चाइना के मुस्लिम लोग हैं, उन्होंने इन्वेंट किया हुआ ये डिश को। क्या बात है? इवन हम लोग भी इसको प्रेफर करते हैं, बिकॉज इसका जो जो पैलेट, जो टेस्ट है, जो टेक्सचर है, वो हमारे पैलेट से मिलता है। बिकॉज वी आर यूजिंग चिली पाउडर, क्यूमिन पाउडर इन दिस डिश, इसलिए वो हमारे लोकल पैलेट को भी मैच करता है। इंडियन क्विजीन बेसिकली अपने स्पाइसेस के लिए फेमस है, और जब इतनी सारी स्पाइसेस यूज हो रही हैं तो हमारे तो कहते हैं ना, उस हमारे टेस्ट पैलेट को मैच तो करना जाहिर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शेफ। हम इसमें ऑयल डाल रहे हैं फ्राई के लिए, तो मैरिनेट किया हुआ लैम को फ्राई करना पड़ेगा। इसका टेम्परेचर भी देखना होता है कि ज्यादा गर्म ना हो, लैम जलना नहीं चाहिए। प्रॉपर टेक्सचर और टेस्ट तभी मिलेगा जब आप प्रॉपरली फ्राई करोगे और इसका टेम्परेचर को देखोगे। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसको फ्राई करेंगे। हमने इसको 4-5 घंटे पहले मैरिनेट किया हुआ है, इसलिए ये ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा पकने को। ओके, जनरली जो लैम्प होता है वो काफ़ी टाइम लगाता है पकने में। जी, I'm sure शेफ कि ये डिश जो है वो बहुत ज़्यादा यूनिक होने वाली है, एक ऐसी रैंडम और जनरल डिश नहीं लग रही है। जी, ये बहुत ही यूनिक होगी और आपका एक्सपीरियंस भी बहुत ही अच्छा होगा, आप खा के देखेंगे इसको। इस डिश को हम चाइनीज डिश बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, ये चाइनीज ही है डिश। डिश चाइनीज है, तो ये चाइना के लोगों ने इन्वेंट की है या चाइना में रहने वाले मुस्लिम्स ने? चाइना में रहने वाले मुस्लिम ने इन्वेंट किया हुआ है इसको, और जब उन्होंने इन्वेंट किया तो फिर सब लोगों ने टेस्ट किया, और टेस्ट करते करते सबके पैलेट को मैच करने लगा ये, तो इतना फेमस हो गया। क्या बात है सर, इंडियन फूड है ही ऐसा आई गेस कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड इंडियन फूड बहुत ज़्यादा फेमस है। जी एकदम, आप इन 5-स्टार होटल में भी बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं हमारे पास, और वो भी बोलते हैं हमें कि आप हमारे को ऑथेंटिक इंडियन डिश टेस्ट कराओ। जैसे बटर चिकन हो गया, चिकन टिक्का हो गया, उसमें भी हम लोग सेम इंग्रेडिएंट यूज करते हैं। तो ये फ्राई हो गया है, अब हम इसको निकालेंगे, स्ट्रेन करेंगे और साइड में रख देंगे। सेम पैन को हम फिर यूज करेंगे बनाने के लिए। इसमें हम पहले डालेंगे थोड़ा सा जिंजर, थोड़ा गार्लिक एंड ग्रीन चिली स्ट्रिप। इसको सौते करेंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ऑनियन, थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन, फिर हम इसको सौते करेंगे। As I can see, हम सेम पैन यूज कर रहे हैं और हमने इसमें ऑयल यूज नहीं करा है, क्योंकि हम इस पे नॉन स्टिक पैन यूज कर रहे हैं और नॉन इसी में हमने ऑयल फ्राई किया हुआ है, तो ऑयल है इसमें, तो हमारे हमें ज्यादा ऑयल यूज करने की जरूरत नहीं है। Alright. अब हम इसमें लैम यूज करेंगे, तो डालेंगे
सॉल्ट, चिली पाउडर, गोथ पाउडर, व्हाइट पेपर पाउडर, क्यूमिन पाउडर जो मैं आपको बता रहा था जी, जो डिश का नाम है, जिसका नाम है, थोड़ा सा चिली पाउडर और यूज करें। कलर के लिए यूज करते हैं हमें देगी मिर्च जी। जैसे अभी बात कर रहे थे हम कॉर्न, पेपर कॉर्न के लिए, सो ये पेपर कॉर्न हम इसमें यूज कर रहे हैं। आप अगर इसका फ्लेवर पसंद करते हैं, आप बहुत ही पंजन होता है, आप अगर मुंह में डालेंगे तो आपको आपके मुंह में नमनेस आ जाता है इससे, तो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, इसलिए थोड़ा सा एक चुटकी यूज करेंगे हम इसके लिए। लाइट सोया एंड कोरिएंडर, फ्रेश कोरिएंडर। अब हम इसको फिर से पकाएंगे। तो शेफ, आपने अपने करियर में ये कब सीखी थी, बचपन में बड़े होके कब सीखी ये डिश? जब हमने होटल इंडस्ट्री ज्वाइन किया, मैंने बहुत सारे चाइनीज शेफों के साथ काम किया है। मेरे करियर में ऑलमोस्ट 8 से 10 चाइनीज शेफ काम कर चुके हैं, तो उनसे सीखा है मैंने ये डिश, प्लस उनसे सीख के जो भी हमारे पैलेट को मैच करता है वो इंग्रेडिएंट हमने ऐड किया इसमें, ताकि ये और ज़्यादा नो लोकल पैलेट को मैच करे और ज़्यादा टेस्टी बने। ये देखिए आपका लैम क्यूमिन रेडी है, परफेक्ट शेफ। तो चलिए सब डिश आउट करते हैं। वाव, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है शेफ। ये क्यूमिन और जो हमने पेपर कॉर्न यूज किया हुआ उसका कॉम्बिनेशन है, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन जाता है वो दोनों चीज जब यूज करते हैं हम इस डिश में जी। वाव, तो हमारी लैम क्यूमिन कोरिएंडर रेडी है और अब वक्त आ चुका है मेरी फेवरेट सेगमेंट का, इसे टेस्ट करने का। और शेफ, जो आपने इतनी मेहनत करी है, हमें हमारे व्यूअर्स को बताना भी तो है कि कैसी बनी है ये डिश, तो चलिए टेस्ट करते हैं। शेफ, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है शेफ। वाओ वाओ शेफ, दिस इज डिलीशियस। आई मस्ट से कि ये जो डिश आपने बनाई है और रेसिपी सिखाई है, बहुत आसान रेसिपी है और आसान होने के साथ साथ बेइंतहा स्वादिष्ट है। तो आप लोग जल्दी से रीकैप देखिए, हो सकता है कुछ आपसे मिस हो गया हो, तो जल्दी से नोट डाउन करिए और सीखिए कैसे बनेगा लैम क्यूमिन कोरिएंडर। चिली, लैम क्यूमिन एंड कोरिएंडर बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में लैम ले, उसमें सॉल्ट, पेपर पाउडर, डार्क सोया सॉस, कॉर्नफ्लोर, ऑयल डाल के मैरिनेट करें। एक पैन में ऑयल गरम करें और उसमें मैरिनेट करा हुआ लैम फ्राई करें और उसे स्टेन कर लें। अब पैन में जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिली, अनियन, स्प्रिंग अनियन डाल के पकाएं और फ्राई करा हुआ लैम सॉल्ट, ब्रॉथ पाउडर, चिली पाउडर, व्हाइट पेपर पाउडर, क्यूमिन पाउडर, डार्क सोया सॉस, लाइट सोया सॉस, कोरिएंडर डाल के और पकाएं। चिली, लैम क्यूमिन कोरिएंडर तैयार है, उसे गर्मा गर्म परोस दें। चाइनीज खाना जैसे हमारा इंडियन इज वेरी सिमिलर टू आवर इंडियन फूड, जैसे कि हमारे इंडियन में रीजन है, चाइना में भी बहुत सारे रीजन है। व्हेन चाइनीज फूड कम टू इंडिया, वी ओनली टॉक अबाउट शिजवान फूड। शिजवान खाना हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो स्पाइसी होता है और हम लोकल हम इंडियंस स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। बट अगर देखा जाए तो चाइना में बहुत सारे रीजन हैं जिनका खाना बिल्कुल ही अलग है शेजवान खाने से। अगर आप बात करें कैंटीनीज खाने की, कैंटीनीज खाना स्टीम होता है, द माइल्ड लेस स्पाइसी। फिर हुनान है, द फूड विच कम फ्रॉम बेजिंग, दे डू रोज, आपने सुना होगा बड़ी फेमस जिसे बेजिंग रोज डक। देन वेरी ब्यूटिफुल कुजीन विच इज़ नोन एज यूनान फूड। यूनान इज ऑल्सो नोन एज अ फूड ऑफ माइनॉरिटी, दे ऑल्सो नोन कॉल इट अ दाई कुजीन, जो इनका छोटा सा मुस्लिम कम्युनिटी है उसके खाने को रिप्रेजेंट करता है। सो जो चाइनीज खाना में इतनी डेप्थ है, वाह क्या टेस्ट है। वेलकम बैक टू योर फेवरेट कुकरी शो जिसका नाम है वाह क्या टेस्ट है। द
दोस्तों, भला हम हमारी दादी को कैसे भूल सकते हैं? आखिर उनकी रेसिपीज हमें उनकी और याद दिलाती है। तो चलिए चलते हैं हमारी अगली सेगमेंट दादी माँ की रेसिपी की तरफ। वाह, क्या टेस्ट है! हल्की तेज आंच भी हो, मसाला तड़का जांच भी हो, फ्लेवर भी अप टू डेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर सब कुछ ग्रेट ग्रेट है। वाह, क्या टेस्ट है! वाह, क्या टेस्ट है के सेकंड सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि दादी माँ ने हम सभी को बहुत कुछ सिखाया है बचपन में, और उसी में से हम एक डिश निकाल कर लेके आए हैं आज, और वो डिश हम बनाएंगे और सीखेंगे कैसे बनता है। डिश का नाम है हॉट एंड सर सूप। तो चलिए दादी माँ, डिश बनाने शुरू करें। डिश बनाने के लिए हमें चाहिए सिल्कन टोफू, कैरोट्स, शिताके मशरूम्स, बैम्बू शूट्स, चिली ऑयल, चिली पेस्ट, स्प्रिंग अनियंस, वाइट पेपर पाउडर, सोया सॉस, लाइट सोया सॉस, सॉल्ट एंड ब्रॉथ पाउडर। तो चलिए फिर हॉट एंड सर सूप बनाते हैं। सूप बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप, हम लोग को गैस ऑन करना पड़ेगा। एंड वी हैव अ स्टॉक हियर, ये वेजिटेबल स्टॉक है, ये हम इसमें डालेंगे। गाजर, दादी मैं ऐसे बनाती थी ना आप, टोफू, पनीर भी यूज कर सकते हैं टोफू की जगह, शिताके मशरूम, बैम्बू शूट, इसको थोड़ा ब्लांच करेंगे हम। जब तक ये ब्लांच हो रहा है तब तक हम सीजनिंग कर देते हैं इसको, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा ब्रॉथ पाउडर, थोड़ा सा डार्क सोया सॉस, थोड़ा लाइट सोया सॉस, व्हाइट पेपर पाउडर, चिली पेस्ट, दादी माँ ये मेरे को जब मेरा गला खराब होता था तब बना के देती थी, गला सही करने के लिए इसलिए चिली पेस्ट डालना जरूरी है इसमें। अब हम कॉर्नफ्लोर में पानी डालेंगे थोड़ा, इसको घोल देंगे और इसको थिक करेंगे। थोड़ा सा और डालेंगे इसमें, उसके बाद थोड़ा सा विनेगर डालेंगे जो ब्लैक विनेगर है, एंड चिली ऑयल, हमारा डिश रेडी हो गया है। तो आपने देखा कि कितना आसान है ये सूप बनाना। चलिए अब हम इसको डिश आउट करते हैं। फाइव स्टार होटल में हमको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो प्रेजेंटेशंस, क्लीनिंग एंड एवरीथिंग। ये सूप को हमने बॉल में डाल दिया, अब थोड़ा सा गार्निश डालेंगे हम इसमें।
दैट इज स्प्रिंग अनियन। ये तैयार है आपका हॉट एंड सर सूप। मैं यह सूप दादी माँ को टेस्ट करवाता हूँ और आप देख लीजिए रीकैप। हॉट एंड सर वेजिटेबल सूप बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में वेजिटेबल स्टॉक डाल के उसमें कैरेट, टोफू, मशरूम, बैम्बू शूट्स डाल के पकाएं। अब इसमें सॉल्ट, ब्रॉथ पाउडर, डार्क सोया सॉस, लाइट सोया सॉस, व्हाइट पेपर पाउडर, चिली पेस्ट डालकर और पकाएं। दूसरी तरफ एक बोल में कॉर्नफ्लावर लें, उसमें पानी डाल के मिक्स करें और पैन में 3 से 4 चम्मच ऐड करें। ब्लैक विनेगर और चिली ऑयल डाल के सर्व करें। There's a very interesting story which I would like to share with you. Marco Polo, who was a merchant, he was from Italy. He came to China for the first time, and then when he saw people making hand pulled noodles, and from there he got inspired, and then we went back to Italy. This is how they invented pasta. So, अगर आप देखा जाए तो चाइनीज खाना बहुत ही पुराना, बहुत ही मजेदार, बहुत ही इसकी so many different region is there which make this cuisine so interesting and it's one of the most preferred cuisine in the world after India. Wow, kya taste hai. Friends, hamara manna hai zuban ko jitna meetha rakhe aur gusse aur ghamand ko jitna avoid kare utna hi hamare aas paas ka mahol khushnuma rehta hai aur zindagi mein swaad aa jata hai और उस पर अगर टेस्टी खाने की खुशबू मिले तो जिंदगी का वाह क्या टेस्ट होता है, क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। सो फ्रेंड्स, इसी थॉट के साथ आई शुड टेक योर लीव। अगर आपको कोई भी एपिसोड मिस हो गया है तो आप उसे यूट्यूब पे देख सकते हैं। आप हमें मेल करना भी मत भूलिएगा। हमारा मेल आईडी है wahkyataste@gmail.com। सो दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए जीडी नेशनल। नमस्कार। वाह क्या टेस्ट है।